बेशुमार खूबसूरती से लबरेज यह एक सुंदर रमणीय प्राकृतिक स्थल, जो कि यूं समझ में आता है कि मानो किसी सुंदर रचनाकार की हर रचना है। चारों ओर छोटे बड़े पर्वत और बीच में पसरा यह लंबा सा मैदान और कल कल निर्जल बहती विनोद नदी, जो उसके सौंदर्य को चार चांद लगाती है। यह स्थल जिसके एक तरफ है बृंदेश्वर महादेव मंदिर और एक ओर है सुंदर शांत निशब्द पर्वतीय भूभाग, चारों ओर रमणीय सुंदरता को सजोता हुआ यह स्थल है स्यालदे। साथियों, अभिवादन स्वीकार करिए डॉक्टर जोशी का। आज मैं आपको जिस सुंदर पर्वतीय भूभाग जिसमें व्याप्त है एक बहुत ही अलौकिक, बहुत ही प्राकृतिक स्थल जिसका नाम स्यालदे है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों, इस पर्वतीय भूभाग को चौकोट नाम से भी जाना जाता है। एक लंबी और बृहद आकार में फैली हुई यह घाटी अपने आप में दिव्यता का अनुभव करवाती है। इसे एक अनछुई खूबसूरती से सजोया गया है। ऐसा लगता है मानो रचनाकार की यह एक विशेष कृति है। साथियों, स्यालदे इस पर्वतीय स्थल की मैं बात कर रहा हूँ, अल्मोड़ा जिला और पौड़ी जिले के मध्य भाग में स्थित है। भौगोलिक रूप से अल्मोड़ा जिले में अवस्थित यह स्थान पौड़ी जिले से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित है। अल्मोड़ा का अंतिम छोर और पौड़ी का अंतिम छोर इस स्थल को कहा जा सकता है। यहाँ बेशुमार खूबसूरती, सुंदर प्राकृतिक वातावरण और पर्वतीय जनजीवन, इसे आप सहज ही यहाँ महसूस कर सकते हैं। साथियों, झरझर निर्जर बहती ये सुंदर विनोद नदी, जिसका उद्गम है बृंदेश्वर अर्थात बिनसर महादेव की पहाड़ियाँ, दूधातोली पर्वतीय शिखर से निकलने वाली यह नदी स्यालदे की जीवन वाहिनी है। आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ स्यालदे का भौगोलिक और राजनीतिक महत्व को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में जरा भी कोताही ना करें। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की मैं बात करूं तो स्यालदे स्वतंत्रता से पूर्व ही अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका था। ज्योतिराम कांडपाल एक ऐसा नाम जिसे महात्मा गांधी जी ने अपने नज़दीक रखा। ज्योतिराम कांडपाल एक वह व्यक्तित्व हैं जिन्हें दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। ज्योतिराम कांडपाल स्यालदे क्षेत्र के ही निवासी हैं। उनके द्वारा स्वाधीनता आंदोलन में अनेकों प्रकार के सहयोग दिए गए। उन्होंने स्यालदे से थोड़ी दूर देघाट में उद्योग केंद्र की स्थापना की थी, जिसे बाद में अंग्रेजों ने बंद करवा दिया। इसके अलावा सल्ट क्रांति आप जानते हैं, सल्ट क्रांति का भी यह क्षेत्र रहा है। अनेकों क्रांतिकारियों ने स्यालदे और सल्ट के इस भूभाग को अपनी कर्मभूमि बनाया। प्रकृति तो यहाँ लबरेज है ही है, साथ ही यहाँ बसते हैं अनेकों सूरवीर।
आज भी जिनके वंशज राष्ट्रीय निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर रहे। भौगोलिक परिवेश, एक तरफ दूधातोली पर्वत चौतरफा सुंदरता को बिखेरता है, जिससे प्रमुख पांच नदियों में एक नदी विनोद नदी इसी नगर के बीचों बीच गुजरती है। यह एक ऐसा स्थान है जिसे कृषि की दृष्टि से अति उत्तम माना जाता है। यहाँ होने वाली अनेकों किस्म की कृषि की विभिन्न उपजें रामनगर हल्द्वानी में क्रय हेतु ले जाई जाती हैं। यहाँ के लोग कर्मठ और परिश्रमशील होते हैं। यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी में देघाट शहर स्थित है, जहाँ माँ दुर्गा का एक भव्य मंदिर है। इसमें हर साल एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला भी आयोजित होता है। अल्मोड़ा नगर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान बेहद शांत प्रिय और कोलाहल से निर्द्वंद है। यहाँ से रामनगर की दूरी 100 किलोमीटर, पौड़ी की दूरी 150 किलोमीटर और हल्द्वानी की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की है। यात्री सुविधाओं की बात करूं, केमो की बसें यहां से लगातार रामनगर और हल्द्वानी की ओर चलती हैं। अल्मोड़ा जनपद का सीमांत स्थान होने के कारण यह वर्तमान सुविधाओं से अछूता सा रह गया है, जिससे विकास की दौड़ में कहीं न कहीं यह पीछे छूट रहा है। यह तो प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ भरपूर है, परंतु आधुनिक सुख सुविधाओं का कुछ अभाव यहाँ हर बरबस प्रतीत होता है। तो साथियों, आइए भ्रमण कीजिए स्यालदे में और महसूस कीजिए इसकी सुंदर प्राकृतिक आभा और चटा को। यहाँ पहुँचने के लिए रामनगर से सीधी बस सुविधाएं हैं, हल्द्वानी से बस सुविधा है, अल्मोड़ा से बस सुविधा है, रानीखेत से आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। बात पौड़ी की करें तो यहाँ से पौड़ी जाने के लिए देघाट, जगतपुरी, वीरसैन, पाबो होते हुए पौड़ी पहुँचा जाता है। पौड़ी के लिए कोई डायरेक्ट बस सुविधा तो नहीं है, परंतु बदल बदल के आप पौड़ी यहाँ से पहुँच सकते हैं। पौड़ी जनपद की सीमा बहुत पास से ही शुरू हो जाती है। तो ये था स्यालदे के बारे में यथायोग की जानकारी। साथियों, अगर इसे ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, अपना ख्याल रखें।